यार अब मेरे पास करोड़ों रुपए हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना विदेश जाना चाहिए घूमने के लिए। मगर यार अगर प्लेन क्रैश हो गया मैं मर जाऊंगा फिर। और मैं मर गया तो ये करोड़ों रुपए जो जमा है इनका क्या होगा? एक काम करता हूँ, ऋषिकेश चला जाता हूँ वहां। लेकिन यार अगर पानी में डूब के मर गया तो फिर क्या होगा इन करोड़ रुपयों का? एक काम करता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ कहीं घूमने। हाँ लेकिन यार अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर सड़क हादसे में मारा जाऊंगा। और भाई मैं इतनी गंदी मौत नहीं चाहता। एक काम करता हूँ, नीचे से एक पेटी दारू की लेके आता हूँ, मस्त अपने घर में रहूंगा, पीता रहूंगा। कम से कम ये तो होगा कि दारू पीने की वजह से मरा, दूसरों की वजह से क्यों मरूं भाई? मैं दिमाग बहुत तेज चलता मेरा दारू पीने के बाद। भाई मेरा देख, मैं तेरी शादी इससे करा कर रहूंगा, चाहे जवाना थूके चाहे मुंह, तो तू परेशान मत हो शुभम। माना कि तुम दोनों अलग अलग धर्म के हो, लेकिन भाई क्या हो गया, तुम दोनों की शादी होगी तो परेशान मत हो, तू सीधा खड़ा हो। एक बार उसकी आंखों में तो देख कितना रो रहा है वो सुबह से। शुभम देख ले एक बार, करा दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो, मैं वकील का जुगाड़ करने जा रहा हूँ, तुम जब तक नैन मटक्का करो। भगवान मेरी मदद तो बहुत करता है, ऐसा देख लिया मैंने। मतलब मेरी माँ को ना बीच में भी शक होने लग गया था कि मेरा लड़का ना दारू पी के आता है घर पे। पर अब जब से आई फ्लू आया ना भाई, जब से मेरी माँ का शक चला गया। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें ना पीने के बाद बहुत ज्यादा लाल रहती है ना, तो मैं मेरी माँ को कहता हूँ, माँ मेरी आंखों में मत देख, ये बीमारी तेरे को भी हो जाएगी, बहुत गंदी बीमारी है। हाँ तो सही कर रहा भगवान यार, बिल्कुल साथ दे रहा मेरा। नशे में भी रहता हूँ, घर वालों को पता भी नहीं चलता। सही है यार, भगवान जीवन भर चलाओ इस बीमारी को। लाल आंखें बढ़िया लग। शुभम भाई मतलब तेरी बंदी क्या छोड़ के चली गई मेरा भाई, तू तो सूख के काटा हो गया भाई। देख अब तेरी सीधे शादी होगी, टेंट लग गया देख वहा, ठीक है मेरा भाई। और ये देख नई बंदी तेरी, सही लग रही है ना, इसी से तेरी शादी होगी, आ जा भाई। लड़कियों का ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए सच में। क्या हो गया भाई? तेरा भाई ना गाड़ी से चल रहा था और आगे ना एक लड़की ना स्कूटी से जा रही थी भाई। उसने क्या किया, लेफ्ट इंडिकेटर दिया, ठीक है, तो मेरे को लगा इसको लेफ्ट में जाना है, मैंने गाड़ी ना राइट में कर दी भाई, उसने भी मोड़ दी राइट में। अब भाई लग गई स्कूटी के पीछे मेरी गाड़ी धम से, है ना भाई, वो नीचे गिर गई। तेरा भाई उसे उठाने के लिए जा रहा तो कह रही, भाई साहब शराब के नशे में ना गाड़ी थोड़ी सही से चला लिया करो, ठीक है। मैंने की बहन मैं तो पी के गलती कर रहा हूँ, तू तो बिन पिए गलती कर रही है। भाई उसने मेरी इतनी सुनी और अपने भाई बुला लिए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं भाई, आँख फोड़ दी सालों ने मेरी, नील पड़ा हुआ है। मैंने भाई उन्हें बस इतना ही बोला, मैंने की बहन मैं ना पी के गलती नहीं करता कभी, बिन पिए भले ही मैं तेरी गलती मान लेता लेकिन आज मेरी गलती नहीं है। फैसला क्या भाई, फोड़ फाड़ के चले गए, यही फैसला है। लड़कियों के आगे चलिए कभी किसी की? चल ठीक है भाई, सेकन कर लू जरा, फोड़ दी मेरी पूरी आंख। हाँ माधुरी, क्या काम था? बेबी मुझे ना आज गाड़ी चाहिए थी। यार कितनी छोटी सी बात कर दी तुमने, गाड़ी चाहिए थी? अरे तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। हाँ ले जाओ, टैंक फुल है, एक रुपए का पेट्रोल नहीं डलाना, ठीक है। आ जाओ। शुभम का फोन भी आ गया, साथ में क्या बात हो गई आज। हाँ शुभम, गाड़ी चाहिए तेरे को? यार उसका तो इंश्योरेंस ही नहीं हो रखा, तू मैनेज कर लेगा? यार उसका ना फ्रंट वाला ना बम्पर भी टूटा हुआ है, वो भी मैनेज कर लेगा। सुनना, उसकी ना रात हो रही है, दोनों लाइट नहीं जल रही आगे की। हाँ मेन मुद्दा तो यही है, तेरे को कल सुबह जाना, रात में गाड़ी घर के लिए चाहिए। अच्छा सुनना यार, मेरा ना मन नहीं है तेरे को गाड़ी देने का, फोन मत कर दियो दोबारा, है नहीं तो ये भी सही सिस्टम है वैसे, कोका कोला की बोतल में दारू मिला के ले आओ, पर घर वालों को कानों कानों पता नहीं चलता।
यार मैं ना जब पी लेता हूँ ना यार, तो उसके बाद ना घर की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ पाता यार। एक सीढ़ी चढ़ता हूँ फिर भैंस की पैर नीचे आ जाता है, ऐसे लगता है 100 मंजिल चढ़ रहा हूँ साला। तरसा अच्छा होता बताना तो बताता जी है। यार मेरे साथ मैं ज्यादा पी लेता हूँ ना तो मेरी टट्टी निकल जाती है यार। टट्टी? हाँ अभी निकल गई। उतर साले नीचे उतर, मेरी गाड़ी गद्दी कर रहा है। उतर नीचे भाग भाग। दोस्त तेरे जैसे दुश्मन बनाने के लिए टट्टी कर रहा है गाड़ी में। गेट लगा। शुभम शादी तो बहुत बेकार रही है, शादी में बिल्कुल रंगत ही नहीं थी। हाँ अरे जो पापड़ी नहीं बना रहा था वो एक नाक में उंगली दे रहा था और उसी नाक से फिर वो पापड़ी फ्राई कर रहा था, ऐसा होता है कभी? और शराब ब्लैक डॉग तो थी नहीं भाई, पता नहीं कौन सा ब्रांड था वो, उसको पी के चढ़े जा रही। देख नशे में तो अभी भी नहीं हूँ मैं, पर लग रहा होगा शायद बातों से मेरी। हाँ अब भाई शराबी का क्या है यार, टेंट के पीछे रहना हम लोग पसंद करते हैं। टेंट के आगे तो वो लोग रहते हैं जो दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हम 2 पैक पी के गाड़ी में बैठ के अपना घर जाते हैं और अपने बाप की मार खाते हैं, हम उनमें से हैं। हाँ Get up and get it.